जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है इन पांचों राज्यों में, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, परिपेक्ष क्या है। तो जो लोग भी इलेक्शन जानते हैं और जब इसको फॉलो करते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि ये जो इलेक्शंस हैं, इसमें पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है या पीछे है, तो ये वही बीजेपी है जो काबिज रही है, जो शासन में रही है, और ये अपने आप में या अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा हो भी रहा है कि ना सिर्फ दौड़ में है बल्कि आगे है, और वो भी 3-4 राज्यों में, और जहाँ पे वो ऑलरेडी शासन में रही है। तो ऐसा कभी क्या हुआ है इतिहास में? ये सोचने वाली बात है कि वही 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 पार्टी जो बाकायदा शासन में रही है, वो बाकायदा ना सिर्फ पूरी टक्कर में है, रेस में है, लेकिन अब फिर से ना सिर्फ मेजॉरिटी का मार्ग, बहुमत के मार्ग या जो मैजिक आंकड़ा है उसकी तरफ जारी है, बल्कि उसको पार करने के लिए पूरी तरफ अग्रसर है और प्रतिबद्ध है, जो साफ जाहिर है। काउंटिंग डे आज है, लेकिन आज से 2 दिन पहले ही ईवीएम का रोना जो है स्टार्ट हो गया था ऑपोजिशन की तरफ से। अखिलेश यादव ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे ईवीएम के बारे में और बातचीत होंगी, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से तो ये अखिलेश जी द्वारा अपनी हार मानना तय है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू किया, विलाप मंडली शुरू हुई, तो वो साफ जाहिर है कि वो अपनी हार मान रहे हैं, और उनको लगा कि सारे के सारे पोल्स तो गलत नहीं हो सकते, और यहाँ तक कि CSDS लोकनीति का भी जब पोल बाकायदा एक बढ़त दे रहा है, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक तबका है, और वो है लाभार्थियों का, और वो साइलेंट वोटर है, और वो उसमें पूरा तबका, और वो आइडेंटिटी जो है वोटर की, जो आइडेंटिटी कहा जाता है, उसमें सब धर्मों के लोग हैं, सब मजहबों के लोग हैं, और सब जात के लोग हैं, और वो गरीब तबका है, और उसको पहली बार कुछ मिला है, और मुझे लगता है ये वो तबका है। और ये सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग इन सारी पार्टियों की जो लगातार करती आ रही हैं, ये जो चेतना है जो जगी है गरीबों में, और ये पूरा तो अंत्योदय का जो पूरा एक एहसास है, तो ये जो जगह है लोगों में, ये उसकी जीत है। तो ये मुझे लगता नहीं है ये या भाजपा की जीत की उसको आप की तरफ इसको देखेंगे, बल्कि ये उन गरीब लोगों की जीत है जी।